2017 में होने वाले बीएमसी चुनाव की तैयारियों में लगभग सभी पार्टियां जुट गई है। साथ ही वो उम्मीदवार जो इस बार चाहते हैं कि वो नगर सेवक का चुनाव लड़े, वो भी अपनी ओर से तैयारियों में जुट गए हैं। बात एमआईएम की करें तो हाल ही में माटुंगा लेबर कैंप के हयात शेख उर्फ मुन्ना भाई को एमआईएम का जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। इसकी खुशी हयात शेख ने अपने इलाके में रहने वाले लोगों के साथ मिलकर बांटने का मन बनाया और एक जुलूस का आयोजन किया। मकसद तो ये है कि जॉइंट सेक्रेटरी मुझे इधर से साइन टू मुलिम बनाया गया हुआ है और उसके लिए भी और इंशाल्लाह आते वक्त में ये इलेक्शन में कॉर्पोरेशन के लिए खड़ने की मैं तैयारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरा टिकट का पक्का फाइनल हो जाएगा तो मैं खड़ूंगा और जीत के भी दिखाऊंगा। मेरे को सारे जितने कौम वाले हैं सब मेरे को एक जैसे लगते हैं, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, जय भीम हो, हर लोग एक ही जाति के और सबका मैं सेवा करना चाहता हूँ। चाहे वो मुझे खड़ा करेंगे वो ताकत से, अगर इलेक्शन में मैं जीत के भी आऊंगा उसके बाद भी उनका मैं काम करूंगा और अगर खुदा ना खास्ता कुछ हार भी जाता हूं तो भी मैं काम करूंगा और इरादा उनके लिए ही करने का है। इनको तो इधर बहुत प्रॉब्लम है, रोडों का, ब्रिज का, स्कूल का, काफी मुद्दे और उनको बहुत प्रॉब्लम है और वो जितना भी उनके जो जितनी तकलीफ और जितनी उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। इस जुलूस में भारी तादाद में लोग जुटे और ये साबित किया कि हयात शेख यदि नगर सेवक का चुनाव लड़ते हैं तो जनता उनके साथ खड़े रहने वाली है। फिलहाल इंतजार करना होगा उस दिन का जब हयात शेख को यहाँ से नगर सेवक के चुनाव लड़ने का टिकट मिले। बहरहाल चाहे जो भी हो, लेकिन हयात शेख ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। जटाशंकर सिंह की रिपोर्ट।